बैठकर आराम से पेपर पढ़ रहा है। क्यों बे, तू जानता है ना, इस पूरे इलाके की जमीन हम लोगों की है। हम यहाँ पर अपार्टमेंट बनवाना चाहते हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तेरे और तेरे परिवार की भलाई इसी में है कि तू ये जगह खाली कर दे, समझ गया ना। अपनी जिंदगी भर की कमाई से मैंने ये घर बनाया है, इसी से मेरी जिंदगी चल रही है। मैं इसे खाली नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मेरे पति को मत मारो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो। मेरी बात सुनो, उन्हें मत मारो। जैसे कीड़े मकड़ों की जगह ये घर नहीं बल्कि फुटपाथ है। तुम लोगों पर रहम खाकर मैं कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। जल्द से जल्द मुझे ये घर खाली चाहिए। अगर ये घर खाली नहीं हुआ तो याद रखना, इसी जमीन पे तुझे और तेरे पूरे परिवार को गाड़ दूंगा मैं। मुझे यहाँ पर अपार्टमेंट बनवाना है। ध्यान से सुन ले, ये देव भाई का ऑर्डर है, मतलब मेरा, समझ गया ना, मेरा ऑर्डर है। ये सब क्या है जी? ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? अरे बद्री, रोज के रोज गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई में हम कैसे अपना दिन गुजारेंगे? क्या बताऊं भाई साहब, सब वक्त के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। एक मिनट रुकना सर। हाँ ठीक है ठीक। हेलो बद्री। अरे मैंने अभी अभी तुम्हें याद किया था, सोच रहा था किसी थिएटर में तुम्हारे साथ एक अच्छी सी फिल्म देखने जाऊंगा, उतने में ही तुम्हारा फोन भी आ गया। चलो अच्छा हुआ, शाम को सच सवर कर तैयार है ना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ए प्रीति, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति प्रीति, क्या बात है, बोलो ना। बद्री अंकल, कुछ गुंडे आकर तोड़फोड़ कर गए और बोला है कि दो दिन में घर खाली कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी बात याद रखना, तुम लोगों को जान से मार दूंगा। अरे जान से मार देने के लिए ये शहर उसके बाप की जगह है क्या? नहीं बेटा, उन गुंडों से दुश्मनी करके हम भला कैसे जी पाएंगे। कौन गुंडे और काहे के गुंडे, बस आप उसका नाम बता दीजिए। कोई दास धर्मा है, बोल रहे थे देवराज के गुंडे हैं। देवराज? हे, कौन है तू जो चुपचाप अंदर घुसा चला रहा है? किससे मिलना चाहता है? देवराज से मिलना है मुझे। अरे हीरो, देवराज जी को नाम लेकर पुकार रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, दू क्या कान के नीचे। अरे ओ मामू, तुम यहाँ पर गैस भरवाते हो क्या? अरे ये तो पक्के फ्रॉड लोग हैं, गैस से ज्यादा तो एयर भरते हैं। ए! किसको फ्रॉड बोल रहा है बे? हम लोग 100% पक्का गैस भरते हैं। तू तो अपनी जुबान बंद ही रख, ऑयल में मिलावट करता है, पेट्रोल में केरोसिन मिलाता है और गैस में एयर मिक्स करता है। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है, इधर एक बार जो भरता है ना दोबारा कभी नहीं आता, ये लोग भी दोबारा नहीं आएंगे। ए, क्या है तू यहाँ लफड़ा करना चाहता है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, मैंने तो बस सच बोला है। क्या सच बोला है? यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होता, किसी ने झूठ बोला होगा तुझसे। अरे तुम चुप रहो भाई, मेरे साथ ही कितनी बार हो चुका है, मुझसे ज्यादा और कौन जानता है। और कितने फ्रॉड धंधे तुम लोग करते हो इसके बारे में भी मुझे अच्छे से जानकारी है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर और चैनल में सीरियल की तरह रिपीट टेलीकास्ट दिखाते हैं। ये बेचारा मोटू कुछ जानता नहीं है ना। क्यों बद्री, ये हिस्ट्री है इस पेट्रोल पंप की। मेरे इलाके में आके मेरे खिलाफ ही बोलता है, तेरी तो हाथ हटा भाई। नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लेगा तू? हाँ तुझे नहीं पता कि कौन हूँ। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, और तू यहाँ खुद चला आया? चल बता तू यहाँ क्यों आया है? ये फैक्ट्री देवराज की है ना? है तो मैं मिलना चाहता हूँ उससे। क्या बात है? घर के बारे में। किस घर के बारे में? मेरे अंकल के घर के बारे में। वहाँ पर अपार्टमेंट बनानी है, इसलिए घर खाली कराने के लिए वहाँ पर देवराज का चेला कोई धर्मराज नाम से आया था, और उसने मेरे अंकल पर हाथ भी उठाया। अगर उस वक्त मैं वहां होता तो उसका खाने का और धोने का दोनों हाथ उखाड़ देता। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। भाई तुम यहाँ क्यों टकलो? फ्लैशबैक याद आ गया क्या? पिछली बार लड़की की छेड़खानी करने पर गली के कुत्ते की तरह धोया था, और आज बारी है तेरे दोस्त धर्मा की।
इसने मेरे अंकल पर हाथ उठाया। कैसे मार? बोल। अबे चूहे, तू मुझे मारेगा? अबे दो टके के ऑटो ड्राइवर, मैं देव हूँ, देव भाई, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम जैसे खोखले लोगों में अगर इतना घमंड है तो मुझ जैसे दिन रात मेहनत करने वाले की रगों में कितना घमंड होगा। मैं तुम लोगों की तरह गरीबों को लूट पाट कर और उनका खून बहाकर पैसे नहीं कमाता हूँ। इज्जत, इज्जत की रोटी कमाता हूँ। थूए तुम लोगों पर। ए, रुक जाओ। क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पर? और कौन है ये? वर्मा की जगह खाली करवाने गए थे भाई, और इसने इस दो टके के ऑटो ड्राइवर को भेजा है बचाव के लिए। अच्छा, तो ये बात है। नेता बनने के सारे लक्षण है तुझमें। क्यों रे, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? बहुत तरक्की करेगा। वैसे गंदे काम करने की मुझे आदत नहीं है। अगर गलती हुई तो न्याय के लिए लड़ूंगा और प्यार के लिए तो जान भी दे दूंगा। ये अपनी बचपन से आदत है। अब यहाँ किसी ने तो गलती की है तो मैं समझाने के लिए आ गया। आज के बाद उस घर के आसपास कोई भी नहीं जाएगा। घर के आसपास नहीं जाएंगे तो अपार्टमेंट कैसे बनाएंगे बताओ? तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए शहर में बहुत सारी जगह पड़ी हैं। उसने पैसे लेकर तुझे भेजे हैं क्या? जानते हो वो घर किस तरह से बनाया गया है? दिन रात की मेहनत की कमाई से वो घर बनाया गया है, लेकिन उसके बारे में तुम क्या जानोगे? वो घर उनकी जिंदगी है, उनका हक है, उनकी जायदाद है। उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? पैसे और जायदाद के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। बच्चे, मेरे बारे में तू अभी कुछ नहीं जानता है। बच्चा समझ कर छोड़ रहा हूँ तुझे। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो। नहीं तो क्या, क्या कर लेगा तू? तू अपने आप को बहुत बड़ा तोप या 30 मार खां समझता है क्या? दोबारा उस घर की तरफ अगर तूने नजर उठाने की कोशिश भी की ना। देख क्या रहे हो, पकड़ो और मारो इसको। शांत रहना मेरी फितरत में नहीं है, मेरा काम है तुम जैसों का खात्मा करना। Thank you.
क्या बात है। मर गया बेचारा। मेरी मौत ही तुम लोगों के नाश की शुरुआत है। तुम्हें मारने के लिए जरूर कोई ना कोई तो आएगा। मारने कोई आए वो दिन कभी नहीं आएगा। हे, मैं खून पीने वाले खानदान से हूँ। तुझ जैसों का खून पीने के लिए मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ। मेरी मौत कभी नहीं होगी। मौत मुझसे दूर रहती है। हे, उसकी आंखें खुली हुई है, वो मुझे देख रहा है। जाकर उसकी आंखें बंद कर दे। जा। भाई सांस नहीं चल रही है। भाई ठीक से देख, मर तो गया है। भाई ये तो मर गया। इसे ले जाकर के सड़क पर फेंक दे।